हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग सेशन 59 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम होम टैब क्लिक ऑन लेआउट ऑप्शन एंड क्लिक कंपोजिशन। ये आपका जो है ना पावर पॉइंट है, तो सबसे पहले पावर पॉइंट को ऑन करते हैं। इसे बार बार ऑन ना करना पड़े इसलिए राइट क्लिक करेंगे और पिन टू ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। पावर पॉइंट के लेआउट से क्या करना है, कंपोजिशन को स्विच करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, होम टैब के स्लाइड ग्रुप में लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंपोजिशन को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन है। और ऐसे में भी सबसे इजी क्वेश्चन आपका पावर पॉइंट से आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम डिज़ाइन टैब, तो सबसे पहले पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन टाइप पे आएंगे, गो टू कस्टमाइज ग्रुप, ग्रुप नीचे होता है ये रहा आपका कस्टमाइज ग्रुप, एंड क्लिक ऑन स्लाइड साइज, स्लाइड साइज पे क्लिक करेंगे ऑप्शन एंड क्लिक वाइड स्क्रीन। ये आपका रहा वाइड स्क्रीन, मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है पहले से, तो इससे पहले स्टैंडर्ड में क्लिक करेंगे और फिर से स्लाइड साइज में क्लिक करके और इसे वाइड स्क्रीन करेंगे। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, वाइड स्क्रीन करेंगे और सबमिट करेंगे। थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट रेक्टेंगल शेप फ्रॉम इंसर्ट टैब, सबसे पहले पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। और इसमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैब में आएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये रहा आपका रेक्टेंगल ड्रैग करेंगे। और क्या बोला, नाउ फ्रॉम फॉर्मेट टैब क्लिक ऑन शेप आउटलाइन, तो यहाँ से आपका यहाँ रहा शेप स्टाइल में शेप आउटलाइन से क्लिक करेंगे। और यहाँ से क्या करना है, इसका आउटलाइन जो है ना इसका चौड़ाई 6 PT में करना है, तो इस पर आएंगे यहाँ से 6 PT सेलेक्ट करेंगे, ऑन सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट ओवल शेप, फिर से पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, ऑन करेंगे और इंसर्ट टैब में आएंगे, एक शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओवल शेप को ड्रैग करेंगे। नाउ फ्रॉम फॉर्मेट टैब क्लिक ऑन शेप स्टाइल ऑप्शन एंड सेलेक्ट एनी वन स्टाइल। अच्छे क्या करना है, शेप स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक शेप्स को क्या करना है, शेप स्टाइल इसमें ऐड करना है। चलिए ऐड किए, आंसर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द डिज़ाइन टैब, सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं एंड चूज लोन थीम इन द स्लाइड, डिज़ाइन टाइप पे आएंगे और एक क्या करना है, लोन थीम को अप्लाई करना है। अब ये रहा लोन, क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फ्रॉम इंसर्ट टैब क्लिक ऑन पिक्चर, सबसे पहले एक पिक्चर को ऐड करना है, तो पावर पॉइंट को ऑन करने के ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करेंगे ऑप्शन एंड सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम योर पीसी एंड इंसर्ट। सबसे पहले क्या करना है, अपने पीसी से अपने पर्सनल कंप्यूटर से कोई एक इमेज को इंसर्ट करना है। पिक्चर में किसी भी एक पिक्चर को क्या करेंगे, पहले इंसर्ट करेंगे और आई क्या कर रहा है, नाउ गो टू द फॉर्मेट टैब एंड क्लिक ऑन पिक्चर स्टाइल ऑप्शन एंड सेलेक्ट एनी ऑन पिक्चर स्टाइल। क्या करने से, पिक्चर स्टाइल को ऐड करना है, तो पिक्चर स्टाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आएंगे और कोई भी एक पिक्चर को आप अपने आवश्यकता के अनुसार किस क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
यहाँ ऐड कर लिए, आंसर करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। गो टू रिव्यू टैब एंड क्लिक ऑन रिसर्च ऑप्शन। सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से क्या करें, रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब आएंगे और रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये रहा आपका रिसर्च, क्लिक करेंगे, आंसर करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। फिर से पावर पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। टाइप हैप्पी बर्थडे टू यू, इसमें हैप्पी बर्थडे टू यू को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो इसमें टाइप कर लेंगे और सेव, इसमें कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम होम टैब क्लिक ऑन फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन एंड सेलेक्ट ग्रीन कलर एंड ऑल्सो बोल्ड। क्या करना है, इसमें ग्रीन कलर को अप्लाई करना है, तो फॉन्ट ग्रुप के फॉन्ट कलर पे आएंगे और यहाँ से ग्रीन को चूज कर लेंगे और इसमें क्या करना है, बोल्ड करना है। ये रहा बोल्ड, क्लिक करेंगे, आंसर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से एट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाइन नंबर क्वेश्चन के लिए स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। फिर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। गो टू व्यू टैब, ये रहा, एंड क्लिक ऑन स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन। अब इसमें स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये रहा, क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। टेन नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसमें फिर से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, गो टू व्यू आ जाएंगे एंड क्लिक ऑन रूल ऑप्शन। अब इसमें शो ग्रुप में आपका रूल होगा, ये रहा, चेक करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए इस प्रकार से 10-10 क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हुआ। यह सेम करेंगे, इंड एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। थोड़ी समय लगेगी ओके विंडो ओपन होने में और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। सेकेंड अटैम्प्ट था, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।